Hey people, welcome back to the channel, welcome back to another video. I'm back at the Autobots and आज हमारे पास है Kia Seltos. This is STK Plus variant और आज हम इसे अपलिफ्ट करेंगे, सॉरी फेस लिफ्ट करेंगे इन GT line, यू कैन से. तो पीछे की लाइट है, आगे की लाइट है और जिनकी गाड़ी है उन्हें इसको पूरा डी क्रोम और पीछे जो मतलब सिल्वर होता है वो सब ब्लैक करना है. आगे की भी कुछ चीज़ें पेंट होनी है तो बहुत काम होने वाले हैं. और नीचे शायद फॉग लैंप्स में इसमें XP के माइक्रो वाले प्रोजेक्टर भी लगेंगे. एक बार आपको गाड़ी दिखा देता हूँ कि अभी कैसी है और बाद में जब ये फेसलिफ्ट होगी तो कैसी हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके पीपल, सो हेयर इज़ द कार. एज यू कैन सी, तो जो लाइटें हैं वो नॉर्मल हैं, बल्ब वाली. जो GT लाइन आती है उसमें LED आती है, एज यू नो. सो दिस इज़ द कार. मैंने इसलिए लाइट्स ऑन करवाई हैं ताकि आप देख सको. एक बार आगे से और दिखा देता हूँ आपको. प्लस अभी इसमें रिसेंटली अलॉयज भी डले हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. तो आगे से गाड़ी ऐसी है, प्रोजेक्टर वाली है. जो GT लाइन आती है उसमें फुल LED आती है और जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे होता है, ठीक है. और अभी इसके फॉग लैंप्स भी देख लो, ये हैं छोटे से. आगे की ग्रिल देख लो, ये सब चेंज होने वाला है. यहाँ पे इसमें LED जो DRL आती है वो भी लगेगी, सब कुछ होगा. सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स राइट नाउ, ठीक है. और अब इसका फेस लिफ्ट जो होना है उसका प्रोसेस शुरू करते हैं और जिस जिस चीज़ का टाइम लैप्स बन सकेगा वो बनाएंगे. तो अभी पीछे का हम शुरू कर रहे हैं, पीछे की लाइटें वगैरह, एंड इसको ब्लैक करेंगे, रैप करेंगे प्रॉब्ली. तो गाइस जितना सामान है जो यूज़ कर रहे हैं वो सारा किया का जेन्युइन है. ये इसकी फ्रंट ग्रिल है, ठीक है, ये सब जेन्युइन किया है. ये देखो पार्ट्स वगैरह, यू कैन सी. एक मिनट पकड़ना है, रखी हुई है इसको. यू कैन सी द किया एवरीवेयर, सब कुछ जेन्युइन है. ये फ्रंट हेडलाइट्स हैं, ये टेल लाइट्स हैं, ये भी किया का है. और ये इसकी वायरिंग है. एक्चुअली जो अभी इसमें हेडलाइट्स लगी हुई हैं प्रोजेक्टर वाली उनकी वोल्टेज ज़्यादा होती है और जो ये LED है इसकी वोल्टेज कम होती है. तो इसमें कोई एरर ना आए इसलिए ये कस्टम इसकी वायरिंग है कैंसलर्स के साथ. डिकॉर्डर होता है, तो डिकॉर्डर कहते हैं इसकी, इंडिकेटर का डिकोडर कहते हैं. हाँ, तो जैसे रिक्की भैया बता रहे हैं इसे डिकोडर कहते हैं इंडिकेटर का, ताकि सब कुछ ठीक से वर्क करे. टेल लाइट, ये देखो ये आपकी टेल गेट की टेल लाइट है. एक यहाँ क्वार्टर पैनल पे लगती है, एक टेल गेट पे लगती है. तो ये टेल गेट वाली है. ये देखो ये वाली आपकी क्वार्टर पैनल वाली आ गई. सी अगेन फुल LED. तो इसका एक बार प्रोसेस शुरू करते हैं, टाइम लैप शुरू करते हैं. DRL भी है जो इसमें ग्रिल में DRL आती है ना. हाँ, स्वीपिंग DRL. यस वो भी दिखाते हैं. हाँ ये पतली वाली जो होती है. सो गाइस ये देखो ये वो वाली DRL है जो आगे ग्रिल के ऊपर लगती है. अगेन everything is brand new and Kia original. तो इसका प्रोसेस शुरू करते हैं, टाइम लैप शुरू करते हैं एंड एंड में आपको मैं बताऊंगा कि टोटल इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आया. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइस टेल लाइट्स हो गई इंस्टॉल, मतलब ये क्वार्टर पैनल वाली. अभी टेल गेट वाली नहीं हुई है, ये दोनों कर दी हैं. इनके साथ हमने रिफ्लेक्टर जो लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट LED ये भी अटैच कर दिए हैं. अब टेल गेट वाली जो है इसके ऊपर ना क्रोम लगा होता है, ये वाली स्ट्रिप होती है बेसिकली. ये देखो यहाँ पे ऐसे ये हमने खोल दिया अलग से, बिकॉज ये हमें ब्लैक करवानी है, डी क्रोम करनी है गाड़ी. तो इसे यहाँ तो ब्लैक रैप करवाएंगे या पेंट करवाएंगे, लेट्स सी. तो ये लाइटें अभी नहीं लगा रहे बिकॉज पहले वो ब्लैक होंगी, ये फिट होंगी, फिर ये लगेंगी. तब तक जो इसकी पहले की टेल गेट की लाइट्स हैं वो खोल रहे हैं. एंड जो ये सिल्वर पट्टी है ऊपर ये वाली, ये भी ब्लैक होनी है ये वाली, तो वो भी खोलनी पड़ेगी.
सो गाइस एज यू जस्ट सॉ हमने इसकी लाइट्स चेंज कर दी हैं, प्लस ये वाली जो स्ट्रिप होती है ये सिल्वर थी इसके साथ, ये हमने ब्लैक में रैप कर दी है, प्लस इस लाइट के साथ ये वाली क्रोम आती है ये ब्लैक में रैप हो गई है। स्टॉक जो इसके साथ आई थी वो सिल्वर थी तो हमने वो नहीं की, जो नई लाइट है क्रोम आई है वो रैप कर दी है, तो पीछे से पूरी डी क्रोम हो गई है पट्टी। एंड अब मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ, ये देखो, तो पहले आपने देखा था लुक इसकी पूरी बल्ब वाली लाइट थी, अब ये पूरी एलईडी वाली हो गई है जो जीटी लाइन में आती है। सो या पीछे से कार इज़ कम्प्लीट, लुक्स अमेजिंग। अब बारी है आगे की, तो आगे का हम करेंगे प्रॉब्ली कल, बिकॉज अभी शाम हो गई है, तो आगे का जो फेस लिफ्ट है वो कल होगा। ओके पीपल, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, तो लास्ट शॉट जो आपने देखा हमने इसकी पीछे की लाइट जो थी वो चेंज कर दी थी, आज हम इसका आगे का फेस लिफ्ट करेंगे। सो एज यू कैन सी राइट नाउ लाइट्स इसकी प्रोजेक्टर वाली हैं, ठीक है, आगे ये सारा सिल्वर है जो ग्रिल है, और ग्रिल ये वाली लगी हुई है, ठीक है, ये भी चेंज होगी। यहाँ से अभी हमने हल्की सी खोलनी शुरू की थी, मैंने भैया को रोक दिया कि वेट लेट मी मेक द वीडियो, तो आगे का खोलते हैं और कैमरा मैंने यहाँ पर लगा ही दिया है और इसका टाइम लैप शुरू करते हैं। हेयर इट इज़ पीपल, एज यू कैन सी लाइट फिट हो गई हैं, ग्रिल फिट हो गई है, सिर्फ एक चीज़ जो अभी आपको और लग रही होगी वो ये है कि ये क्रोम में है और ये सिल्वर है। उसका रीज़न ये है, जैसे हमने पीछे का डी क्रोम किया था ब्लैक, उसको रैप करवाया था, ये सारा ब्लैक में पेंट होना है ग्लॉस ब्लैक, तो ये भी ग्लॉस ब्लैक हो जाएगा, ये भी ग्लॉस ब्लैक हो जाएगा, तो ये हमने अलग से नहीं लिए, बिकॉज अगेन अगर वो लेते तो ये फालतू में पड़ा रहता, तो ये सारा ग्लॉस ब्लैक में पेंट हो जाएगा, इंक्लूडिंग दिस एरिया, दिस होल ग्रिल, और जो मेन ग्रिल थी वो चेंज हो गई है, ये जीटी लाइन वाली लग गई है, पुरानी ये पड़ी है। तो अब एक बार लाइट सामने से मैं आपको दिखाता हूँ, ऑन करो, ये देखो, तो गाइस एज यू कैन सी डीआरएल आर वर्किंग फाइन, इंडिकेटर्स, लाइट्स, आई बीम इज़ वर्किंग फाइन, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, बस ये जो है वो ग्लॉस ब्लैक में होना रह गया। और एक चीज़ जो इसमें और होनी है वो है कि एक्सपी के प्रोजेक्टर लगेंगे फॉग लैम्प में, बिकॉज इसमें ये आते हैं और इनकी लिटरली ना के बराबर ही रोशनी होती है, और अलॉय इसमें लगे हुए थे वो मैंने शायद पहले भी दिखाए थे आपको, ये भी अभी मतलब जब गाड़ी हमारे पास आई है हमने ही लगवा के दिए इनको। तो अब इसकी ग्रिल जो है वो आगे की पेंट होने देते हैं ग्लॉस ब्लैक, एंड उसके बाद आपको एक बार फिर इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा। Eventually, ओके पीपल, सो फाइनली इसकी जो ग्रिल है मतलब ऊपर की जो ये बीडिंग थी नीचे वाली ये ब्लैक हो गई है, तो इसे ग्लॉस ब्लैक पेंट करवाया है, तो जो पहले आप देख रहे थे ये क्रोम था, ये सिल्वर था, एवरीथिंग इज़ ग्लॉस ब्लैक नाउ। सो फाइनली द फेस लिफ्ट इज़ कम्प्लीटेड फ्रॉम HTK प्लस टू GT लाइन, तो आगे से इसकी हेडलाइट्स चेंज हुई हैं, ग्रिल चेंज हुई है, DRL लगी है, और अभी इसमें वैसे यहाँ पे फॉग लैम्प में प्रोजेक्टर भी लगने हैं, बट वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ अगर फेसलिफ्ट की बात करें तो फेसलिफ्ट कंप्लीट हो गया है, आगे से गाड़ी ऐसी लग रही है और पीछे से मैंने आपको दिखाई थी, बट लेट मी शो यू वंस अगेन, पीछे से भी बीच की पट्टी ब्लैक, पीछे हमने रैप किया था, लाइट चेंज हुई हैं और यहाँ पर हमने रिफ्लेक्टर में ये वाले LED रिफ्लेक्टर लगाए हैं। सो गाइज बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक चीज़ एक्चुअली दो चीज़ें आपको और दिखानी है, एक तो इसमें जो फॉग लैम्प है वो हमने अपग्रेड GT लाइन वाले नहीं किए, इसमें XP के प्रोजेक्टर लगे हैं फॉग लैम्प वाले, बिकॉज इनका आउटपुट ज़्यादा बेटर है, बहुत बेटर है, इसका आउटपुट भी मैं अभी आपको चेकआउट कराता हूँ। प्लस पीछे एक चीज़ जो रह गई थी वो भी हो गई है, स्पॉयलर भी लग गया है इसमें, सो दिस इज़ OEM स्पॉयलर जो कंपनी से लग के आता है वही वाला है, तो ये स्पॉयलर भी इसमें लगा दिया है। अब गाड़ी को एक बार बाहर निकालते हैं और आपको इसका फॉग लैम्प में जो प्रोजेक्टर लगाए हैं उसका आउटपुट भी चेकआउट करा देता हूँ, बाकी अलॉयज़ वगैरह तो आपने पहले भी देखे थे।
अंदर, प्लस एक और सेल्टॉस आई हुई है वो भी जीटी लाइन में कन्वर्ट हो रही है। सो पीपल आई एम इनसाइड सेल्टॉस राइट नाउ और सामने अंधेरा देख लो कितना है, ठीक है ये देखो। तो ये जितनी भी लाइट आ रही है ना सिर्फ DRL की है, अगर मैं गाड़ी बंद कर दूँ तो ये लाइट भी ख़त्म हो जाएगी, ये देखो ठीक है। सो जस्ट वॉन्टेड टू शो यू, एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं, here we go। तो जो लाइट है सिर्फ DRL की है, अब मैं सिर्फ इसके फॉग लैम्प्स ऑन कर रहा हूँ, सो यू कैन चेक द आउटपुट, चेक दिस आउट गाइस, ये सिर्फ फॉग लैम्प है ठीक है। अब मैं हाई बीम करता हूँ, देख रहे हो जस्ट द फॉग लैम्प्स। अभी इसकी जो अलाइनमेंट है थोड़ी सी नीचे कर रखी है, वरना अगर इसे थोड़ा ऊपर करोगे तो बिल्कुल सामने लो बीम पे भी बिल्कुल सामने टक्कर मारेगी, मतलब आई लेवल से नीचे नीचे। और अगर हेडलाइट ऑन करें तो ये देखो, हेडलाइट ऑन करने में इतना फ़र्क पता नहीं लग रहा, लेकिन जब फॉग लैम्प ऑन ऑफ होते हैं, अब जैसे मैं फॉग लैम्प ऑफ करता हूँ, ये देखो ये सिर्फ हेडलाइट है, आप फॉग लैम्प का स्प्रेड देख रहे हो दोनों तरफ, हेडलाइट फॉग लैम्प, ये हेडलाइट ऑफ हेडलाइट ऑन। अब हाई बीम करते हैं, ये देखो। सो गाइस ये वो दूसरी वाली सेल्टॉस जो फेस लिफ्ट हुई है, इसके हमने अलॉयज भी चेंज करे हैं, GT मॉडल वाले लगाए हैं, टेल लाइट चेंज हुई हैं और उसके बाद स्मोक भी हुई हैं, पीछे भी एज यू कैन सी पूरी डीक्रोम हुई है, LED वाले रिफ्लेक्टर भी लगे हैं और ऊपर पूरी रूफ ब्लैक हुई है, आगे से भी लाइट्स चेंज हैं। अभी तो खैर गाड़ी गंदी खड़ी हुई है। एनीवेज कमिंग बैक टू ये वाली सेल्टॉस जो हमने करी थी, इसमें ऑडियो सेटअप चल रहा है एज यू कैन सी, तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन, जस्ट फाइनल हो रहा है। तो मैं आपको एक बार वैसे दिखा देता हूँ, तो पूरी गाड़ी ऑब्वियसली डैम्प हुई है, डोर्स एंड ऑल एवरीथिंग। आगे जो मिड बेस और ट्विटर हैं ये ऑडिबल फिजिक्स के रैम सीरीज के हैं राइट, एंड जो मिड रेंज है दिस इज NZ3 अगेन ऑडिबल फिजिक्स कस्टम पॉड्स विद एल्केंटारा एज यू कैन सी, ठीक है। और पीछे जो है वो अभी हमने स्पीकर अपग्रेड नहीं किए हैं बिकॉज थोड़े टाइम बाद का प्लान है वो, बिकॉज इटली से एक नई स्पीकर की सीरीज़ आ रही है, सो वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। प्लस पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये सारा फ्लोर डैम्प हुआ है जस्ट लाइक दिस, डोर में भी हुई है। तो एज आई टोल्ड यू सेटअप बस फिनिश होने वाला है। तो दो एम्प आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये फ्लक्स का है जो भैया का पहले का एम्प था उसे रिटेन कर रहे हैं। 4 चैनल DSP अभी लगाया है, जैपको अभी लगाया है, ST4X SQ, और वायरिंग आप देखो कितनी प्रीमियम है एंड प्रॉपरली सब कुछ किया गया है। यहाँ से भी जो आगे जा रही है अगेन प्रॉपर सेटअप किया गया है, वायर्स ये वाली और ये वाली अलग रखी गई हैं ताकि डिस्टॉर्शन ना आए, तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, कोई हिसिंग साउंड वो सब ना आए, कोई इंटरफेरेंस ना आए राइट। और एक मोनो एम्प है जो सीट के नीचे है, वो भी भैया का पहले का है, उसे भी रिटेन कर रहे हैं। सो एक्टिव सेटअप है ये, 3-way एक्टिव सेटअप। सो गाइस अब बात कर लेते हैं प्राइस की, जो हमने गाड़ी फेसलिफ्ट करी है इसमें टोटल कितना खर्चा आया। सो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि इस टोटल प्रोजेक्ट में, मतलब जो सिर्फ फेसलिफ्ट है, लगभग 1 लाख रुपये का खर्चा आया, 1 लाख रुपीज़ एक्सक्लूडिंग टायर अलॉयज, वो अलग हैं, जो ऑडियो सेटअप हुआ वो अलग है, सिर्फ जो फेसलिफ्ट की बात करी जाए लगभग 1 लाख रुपये का खर्चा है, अगेन टायर अलॉयज एक्स्ट्रा एंड जो ऑडियो सेटअप है वो सब एक्स्ट्रा है। सो या दैट वीडियो इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, पीस आउट।